दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे OnePlus Nord 2 5G स्मार्टफोन में अगर आपने जो है Android 12 का बीटा वर्जन डाउनलोड कर लिया है और आपको आपके स्मार्टफोन को जो है फिर से Android 11 पे लेके जाना है तो वो डाउनग्रेड किस तरीके से करना है तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे जाके आप ओपन कर लीजिए। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि भाई अगर एक भी गड़बड़ हो गई ना आपके स्मार्टफोन में कुछ डैमेज हो सकता है। तो उस लिंक को आप ओपन करने के बाद आपको Android 11 का कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। कुछ 4 से 5 GB के आसपास की फाइल है ये, तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। मैंने फाइनली डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनग्रेड ज़िप। उसके बाद आपको आपके स्मार्टफोन के फाइल मैनेजर में जाना है, तो चलिए जाते हैं फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको जाना है डाउनलोड्स के ऑप्शन में, और डाउनलोड्स के ऑप्शन में आपको डाउनग्रेड ज़िप नाम की एक फाइल दिख रही होगी, उसे आपको क्लिक कर लेना है और थ्री डॉट पे नहीं, यहाँ पे आपको मूव कर देना है इसी फोल्डर में, मूव टू दिस। इसके बाद आपको जो है अभी एक बार देख लीजिए आपको जो है ना फाइल यहाँ पे दिख रही है या नहीं, तो यहाँ पे आपको OnePlus की जो डाउनग्रेड ज़िप है वो दिखाई दे रही होगी, तो यहीं पे आनी चाहिए ये फाइल। इसके बाद आपको जाना है आपके स्मार्टफोन के सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जो है अबाउट फोन में जाना है और सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको लोकल अपग्रेड पे टच कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टच करना है और उसके बाद OnePlus Nord 2 5G पे आपको टच कर लेना है, और टच करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और वो फाइल आपको दिखाई देगी OTA अपडेट डाउनग्रेड, तो इसे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जो है ऑक्सीजन OS 11.3 एंड्रॉयड 11, तो अभी इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों इंस्टॉल करने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ, आपको आपके स्मार्टफोन का बैकअप ले लेना होगा, क्योंकि मैंने मेरे स्मार्टफोन का बैकअप नहीं लिया, इसकी वजह से तो वीडियो आने में काफ़ी वक्त हो चुका है और आपको दिख ही रहा होगा फॉर्मेट होने वाला है आपका सभी जो डाटा है अगर आप जो है ना आपकी फाइल को डाउनग्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले बैकअप ले लेना होगा। मेरा तो सभी अभी डाटा चला गया है, अभी मुझे जो है स्मार्टफोन की शॉप पे जाके पूरा डाटा लेना होगा। तो अभी आप देख लीजिए मेरा स्मार्टफोन जो है रिस्टार्ट हो रहा है, और अभी आप देख लीजिए जस्ट सेकंड दिखा रहा है पूरा डाटा मेरा चला गया है, और अभी मैंने स्मार्टफोन को सेटअप कर लिया। उसके बाद आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और अबाउट फोन में देख लीजिए आप, मैंने जो है एंड्रॉयड वर्जन पे फिर से चला गया हूँ। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के घंटे को ऑल पे क्लिक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।